आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी, जिसका शीर्षक है शतरंज के खिलाड़ी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, अमीर गरीब, सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था, तो कोई अफीम के पिनक ही में मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में, सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राजकर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कला बतु और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे, इत्र, मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है, इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है। कहीं चौसर बिछी हुई है, पौ बारह का शोर मचा हुआ है। कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते या मदक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे, तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मोहरूसी जागीरें थी, जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे चखौतियां करते थे, आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके विसात बिछाकर बैठ जाते, मुहरे सज जाते और लड़ाई के दांव पे छोने लगते। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर और कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे ही में खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियाँ होती थी। मगर यह बात न थी कि मिर्जा के घर के और लोग इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों को तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का, बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती ही रहती थी तब तक बाजी बिछ जाती थी, और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं, कह दो आकर ले जाएं, खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं चाहे कुत्ते को खिलाएं। पर रूबरू वह भी कुछ न कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगारू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब ही के सिर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाए, दौड़ जल्दी कर। लौंडी गई तो मिर्जा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहबा का मिजाज गर्म था। इतनी ताप कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। दो ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझला कर बोले, क्या ऐसा दम लवो पर है, जरा सब्र नहीं होता। मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती ही हैं। मिर्जा, जी हाँ, चला क्यों न जाऊँ, दो किस्तों में आपकी मात होती है। मीर, जनाब इस भरोसे न रहिएगा, वह चाल सोची है कि आपके मुहरे धरे रहें और मात हो जाए, पर जाइए सुनाइए, क्यों खामखा उनकी दिल दुखाइएगा। मिर्जा, इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं,
आप जाकर सुनाइए। मिर्जा, अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिरदर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्जा, अच्छा एक चाल और चल लूँ। मीर, हरगिज नहीं, जब तक आप सुन आएंगे मैं मोहरे में हाथ ही न लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहब ने त्योरियां बदलकर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोरी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते, नौज कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्जा, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वह खुद निखट्टू हैं वैसे ही सबको समझते हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हैं या सबका सफाया कर डाला। मिर्जा, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते। मिर्जा, बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कारे देती हूँ, नाराज हो जाएंगे हो जाएं, कौन किसी की रोटियाँ चला देता है, रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी। हरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब न खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। मिर्जा, हाँ हाँ कहीं ऐसा गजब भी न करना, जलील करना चाहती हो क्या, ठहर हरिया कहाँ जाती है। बेगम, जाने क्यों नहीं देते, मेरा ही खून पिए जो उसको रोके, अच्छा उसे रोका मुझे रोको तो जानू। यह कहकर बेगम साहबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया, बीबी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी, दीवान खाने के द्वार तक गई पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था, मीर साहब ने 2-1 मुहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी, मुहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मुहरे बाहर फेंके जाते देखे चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहबा बिगड़ गई, चुपके से घर की राह ली। मिर्जा ने कहा, तुमने गजब किया। बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खरे खरे निकलवा दूंगी, इतनी लौ खुदा से लगाते तो वली हो जाते, आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं, जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि अब भी तामूल है। मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मुहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फौरन भागा, बड़ी गुस्सेवर मालूम होती हैं, मगर आपने उन्हें यूं सिर चढ़ा रखा है यह मुनासिब नहीं, उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं, घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। मिर्जा, खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमाव होगा। मीर, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है बस यहीं जमे। मिर्जा, लेकिन बेगम साहबा को कैसे मनाऊंगा, जब घर पर बैठा रहता था तब तो वह इतनी बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा न छोड़ेंगी। मीर, अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में आप ही ठीक हो जाएंगी, हाँ आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से पीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है, लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहबा को बड़ा कष्ट होने लगा, उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई, दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी, अब तक दिन भर परे परे मक्खियां मारा करते थे, घर में कोई आए कोई जाए उनसे कुछ मतलब न था, अब 8 पहर की धौंस हो गई, कभी पान लाने का हुक्म होता कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहब से जा जा कर कहते, हुजूर मियाँ का शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई, दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए, यह भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम कर दी, घड़ी याद घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल खेलना बहुत है, खैर हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे, मगर यह खेल मनहूस है।
इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है, यहां तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं, अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहिबा कहती, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी जो दो चार पुराने जमाने के लोग थे आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं, जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी, आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था, प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची आती थी और वह वेश्याओं में, भांडों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था, कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे, किसी के कानों पर जू न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झौंड़ हो जाती, तू-तू मैं-मैं की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती, मिर्जा जी रूठकर अपने घर चले जाते, मीर साहब अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुँचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए, यह क्या बला सिर पर आई, यह तलबी किस लिए हुई है। अब खैरियत नजर नहीं आती, घर के दरवाजे बंद कर दिए, नौकरों से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं तो कहाँ है। नौकर, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है। सवार, काम तुझे क्या बताऊंगा, हुजूर में तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं, जागीरदार हैं कि दिल लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी, मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा। मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी भी ना हो। मीर, कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं, कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहां किसे खबर होगी, हजरत आकर आप लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तदबीर ही नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धत्ता बताया। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली, अब भूलकर भी घर पर न रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते, बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलौरियाँ भरे, गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफ़ुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भर शतरंज खेलने बैठ जाते। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी, किश्त शह आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी, कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ती चली आती थी, शहर में हलचल मची हुई थी, लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर, डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए तो बेगार में पकड़े जाएं। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे।
एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा जी की बाजी कुछ कमजोर थी, मीर साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गुरु की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किस्त बचाइए, यह किस्त। मीर, जरा देखना चाहिए, यहीं आर में खड़े हो जाएं। मिर्जा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किस्त। मीर, तोपखाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के से मुंह, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा, जनाब हीले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह किस्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझी है, कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, यह किस्त बस अब शह में मात है। फौज निकल गई, 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसे ठहरेगी। मीर, अजी आज तो रोजा है, क्या आपको ज़्यादा भूख मालूम होती है। मिर्जा, जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ न हो रहा होगा, लोग खाना खा खा कर आराम से सो रहे होंगे, हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी, 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं, यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था, यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाब साहब को तो जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, यह लीजिए शाह। मिर्जा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती, बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहे, यह ऐश वहां कहां नसीब होगा, यह किस्त। मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है ही, यह लो फिर किस्त, बस अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा, यह किश्त और यह मात, लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी, हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी, वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई, खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू कर दिया। अबाबिले आ आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे, इस 4थी बाजी का रंग भी अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और उग्र होती जाती थी। उधर मीर साहब सारे उमंग के गजले गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा जी सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे, पर ज्यों ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी धैर्य हाथ से निकला जाता था। यहां तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे, जनाब आप चाल बदला न कीजिए, यह क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया, जो कुछ चलना हो एक बार चलिए, या आप मोहरे पर हाथ क्यों रखे रहते हैं, मोहरे को छोड़ दीजिए, जब तक आपको चाल न सूझे मोहरा छूए ही नहीं, आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं, जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था, बोले मैंने चाल चली ही कब थी। मिर्जा, आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं, मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था। मिर्जा, मोहरा आप कयामत तक न छोड़ें तो क्या चाल ही ना होगी,
फर्जी पीटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा, तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्जा, तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। मीर, वहां क्यों रखूं? नहीं रखता। मिर्जा, क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे, न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घास छीला किए, आप शतरंज क्या खेलिएगा। रियासत और ही चीज है, जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, क्या घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे, यहां तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्जा, अजी जाइए भी, गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आप रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है? मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह पर कालिख लगाते हो, वे ही बावर्ची का काम करते रहे होंगे, यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्जा, अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ कर बातें न कर। मीर, जबान संभालिए वरना बुरा होगा, मैं ऐसी बातें सुनने का आदि नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली, है हौसला? मिर्जा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं, तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाएं, इधर या उधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेशकब्ज कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे, उनमें राजनीतिक भावों का अधः पतन हो गया था। बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकी, छपा छप की आवाजें आईं। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तरप तरप कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूली धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी।